कितने देर हो जाती है लगभग, कितने बजे से? मतलब 7 से 2-3 घंटे या आधे घंटे में मुकर बंद हो जाती है? चांस नहीं है, मैच होगा यार 18 तारीख को, मेरे को एक एक मिनट रेंज सब्जेक्ट चाहिए स्पोर्ट्स नाउ से और सीएम भाई से। आउट कवर 100% है लेकिन बाहर इसके चांसेस 78% है। एक बार वेदर में सीधे बैंगलोर, सीधे बैंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वेदर मैन। आप सीधे कॉल पे बात करिए ना। कॉल पे बात करूं? कॉल पे आप बात करिए वेदर पे। वेदर को हम यहाँ पर अपने भाइयों को लाइव अपडेट देते हैं वेदर की क्या सीन है। बैंगलुरु में इस वक्त कितनी रोशनी है, क्या धूप खिली है या क्या? मैं सीधे कॉल ही कर लेता हूँ और यहाँ पर सीधे कॉल ही करते हैं स्पीकर पे, यहाँ पर कॉल लगाई जाए। हेलो, बैंगलोर में समय मतलब बारिश का क्या सीन है, वेदर कैसा है? अच्छा, और फिलहाल अभी अभी कैसा है? अभी तो ठीक है, मतलब है बारिश, सारे हो सकती शाम तक। अभी बादल कैसे हैं, मतलब पूरे भरे हुए हैं कि वैसे हैं? अभी तो नहीं, अभी तो खुला है। सुबह शाम क्या बारिश के चांसेस हैं, सुबह शाम बारिश या ऐसा कुछ थंडर स्टॉर्म के? मतलब आप नहीं, मतलब पिछले दिन क्या बारिश हुई थी, पिछले 2 दिन में कैसा सीन रहा वहाँ पर? मतलब हर दिन बारिश हो जा रही है शाम को? हाँ। कितने देर हो जाती है लगभग, कितने बजे से? मतलब 7 से 2-3 घंटे या आधे घंटे मुकर बंद हो जाती है? नहीं, 10-15 मिनट। फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो 10-15 मिनट भाई, आधे घंटे का तो लूप हमारे पास रहता ही है। चलो अच्छा, हम आपको बाद में फोन करते हैं, ठीक है? तो ये भाई हमने लाइव सीधे बैंगलोर से आपको वेदर बता दिया, चांस जरूर है शनिवार को, लेकिन इन्होंने ये भी बताया भाई होती है पर 15-20 मिनट में होकर चली जा रही है, तो 15-20 मिनट में अगर बारिश होकर चली जाएगी तो मैच तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत वाली बात नहीं, ये आपको देखिए स्पोर्ट्स नाउ ही सीधे लाइव में दिखाएगा, सीधे डायरेक्ट वहीं से आपको पूरे हमने जो वेदर का है वो पूरा फोरकास्ट बताया है। 8 बजे के बाद नहीं है चांस बारिश का बैंगलोर में, बिल्कुल भाई चांस नहीं है, मैच होगा यार। भाई मैंने आपसे अभी बताया, कुछ भाई लोग हमारे शायद वो गलत जगह से आप देख के आ रहे थे, आप वेदर पे देख सकते हैं, वहाँ पर बहुत बार प्रेडिक्शन सही होती है, वहाँ पर 43% चांसेस हैं 7 बजे से, और जो 3.5 घंटे का बारिश का है वो पूरे दिन में 3.5 घंटे बारिश हो सकती है, तो ये चीज है। लेकिन भाई है भाई, मैं बार बार आपसे ये चीज रिपीट कर रहा हूँ, पर उस दिन भी जब उन्होंने अपडेट बताई थी तब भी मैंने ये चीज रिपीट की थी, हर दिन हर आधे घंटे में वेदर बदल रहा है, तो भाई ये चीज आप अपने दिमाग में रख लीजिए उस दिन। और जैसा यहाँ पर भाई ने भी लिखा, जैसा रोहित भाई भी लिख रहे हैं कि यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है, सबसे बेहतरीन जैसे यहाँ का अच्छा है, इवन केकेआर में अगर आप देखिए कोलकाता में ईडन गार्डन में क्या है, कवर कर दी पूरा ग्राउंड, कवर किया जाता है। अहमदाबाद में इतना अच्छा नहीं है, इतना अच्छा ग्राउंड तो बना दिया है। और अनिल राव कह रहे हैं कि 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक रेन नहीं बता रहा है 18 को, एक बार फिर से देखिएगा, क्योंकि हमने जो पहले रिपोर्ट करी थी आप तक, हमने वही और उसने जो हमने बोला भी था, देखिए वेदर का क्या है, अपडेट चेंज हो सकता है, रोज बदलता रोज है, उस दिन अगर आप देखिए जो रिपोर्ट हमने आप तक पहुंचाई थी, एक बार फिर से आपको रिपोर्ट पहुंचा दे रहे हैं, आप जल्दी से सैटरडे का अगर आप देखिए आप वेदर अपडेट देखिएगा कि शनिवार को बेंगलुरु का वेदर क्या रहने वाला है। 9 बजे से आप बात करें, शाम को 5 बजे से अगर आप देखें तो उस दिन बारिश की संभावनाएं ज्यादा थी, मतलब उस दिन अगर आप देखें, क्योंकि हाल फिलहाल में लगातार वहां पर बारिश हुई है, और ऐसे में क्योंकि दिल्ली में भी बारिश हुई लेकिन मौसम अभी बड़ा क्लियर है, तो ऐसे में वहां पर लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन सैटरडे को जो मौसम पहले दिखाया जा रहा था कि 5 बजे 80% का चांस है, 6 बजे 80 है, 7 बजे 80 है, 8 बजे 80 है, 9 देखिए अब 7 बजे हो गया है 31 डिग्री और कोई बारिश नहीं। हाँ, अब देखिए यहाँ पर एक बार फिर से 7 से 10 बजे तक कोई बारिश नहीं। अब यहाँ पर 29 तारीख को आपको दिखा देते हैं कि 4 बजे तक बारिश दिखा रहा है बस, यहाँ पर अगर आप देखिए 4 बजे तक बारिश है, 7 बजे मतलब एक तरीके से बारिश ही नहीं है, 7 बजे नहीं बारिश है और 10 बजे भी बारिश नहीं है, तो ये एक तरीके से अच्छी खबर है कि मौसम पलट गया है, मौसम पलट गया। और ये अगर मौसम पलट जाएगा तो फिर आरसीबी के लिए अच्छी खबर है, आरसीबी तो चाह रही भाई कैसे भी हो मुकाबला तो हो जाए, बारिश से हार कर बाहर होना है कहीं ना कहीं, अगर आप देखें बारिश होती तो आरसीबी बाहर हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मुकाबला होता है तो फिर अगर आप देखें आरसीबी के लिए अच्छी खबर है, अगर वेदर के लिहाज से अगर आप देखें, और एक बार एक्यू वेदर पे भी आप चेक कर लेना अगर यहाँ पर नेट ओपन हो, क्योंकि वहां पर भी रिपोर्ट अच्छी होती है, तो ये आरसीबी के लिहाज से वेदर ने थोड़ा अच्छी खबर दे दी है। और यहाँ पर फिर से और भी सवाल ले लेते हैं, प्लीज यार लाइक जरूर करो, सवाल ले रहे हैं जॉली भाई, कह रहे हैं कि शुभेंदु भाई ये वीरेंद्र भाई कल से अंडरग्राउंड हो चुके हैं, सीएसके को ट्रोल कर रहे थे, हमें कभी 145 नहीं बनाया इस सीजन, चौकिस्तान रॉयल चौक एट बेस्ट। यार देखिए कहीं ना कहीं वीरेंद्र भाई के लिए बहुत बुरा दिन है, और ऐसे दिन आते हैं जब आप किसी ना किसी टीम को आईपीएल में सपोर्ट कर रहे होते हैं, ये सबके लिए ऐसे दिन आते हैं, तो उसको भी अगर आप देखिए आपने 9 मैचों में से 8 में जीत के जश्न अगर मनाया वीरेंद्र भाई, तो 4-5 में जो आप लगातार हार रहे हो इसमें भी आप जश्न मनाइए,
कि आपकी टीम वापसी करेगी, लेकिन हाँ चोक तो कर रही है मानना पड़ेगा। अच्छा देखिए, अब जो इसमें मैं एक्यू वेदर पे बता रहा हूँ, जो इसमें एग्जैक्ट मतलब बहुत सही जाती है हाँ। प्रेडिक्शन यहाँ पे आवर्स ऑफ रेन दिखा रहा है, सिर्फ 2 घंटे बारिश हो सकती है दिन में, वो भी शाम को 4 बजे के पहले, 4 से पहले, 4 से पहले 2 घंटे बारिश हो सकती है। बाकी जो चांसेस हैं 7 बजे पे रेन के, वो है 0.33%, जीरो यानी कि नहीं है अभी, बिल्कुल नहीं है, नहीं है। लेकिन एक बात ये भी है कि भाई देखो वेदर बदलता रहता है, वेदर बदलता रहता है, उससे तो अच्छा है ना यार, जो एक दिन पहले 2-3 दिन पहले आ रहा था कि भाई 80% चांस है, 70 आ रहा था, मतलब कम जो था वो 70 था, 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक में जो कम था वो 70-60 था। लेकिन बादल रहेंगे, इस चीज की पूरी गारंटी है, बादल रहेंगे, 99% है कि क्लाउडी रहेगा, मतलब उसमें फिर गेंदबाजों के लिए मदद हो सकता है, गेंदबाजों के लिए अगर वहाँ बादल रहेंगे। ऐसे में सिराज भी अच्छी बॉलिंग करते हैं यार, तो बादल अच्छी करते हैं, लॉकी फर्ग्यूसन भी ऐसे भाई, सिराज को अगर बादल दिख गए तो सिराज सामने वाले को श्रीलंका समझ लेते हैं फिर। बिल्कुल भाई, उनको हल्का सा अगर अलग स्विंग दिखती है फिर उनके, तो ये अगर आप देखें बादल दिखा तो आरसीबी का फायदा भी है और मैच होगा तो भी फायदा ही है, फायदा भी क्योंकि नहीं होने से बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट वेदर रिपोर्ट है आपका वेदर के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि भाई आप सैटरडे को यानी कि 18 तारीख को बारिश के चांसेस जो मैच के दौरान है वो काफी कम हो गए हैं। हाँ बादल जरूर रहेंगे, ये थोड़ी सी बुरी खबर जरूर है, लेकिन फिर भी बारिश के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे, तो ये लेटेस्ट अपडेट है। बाकी और भी सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। उवेश भाई कह रहे हैं कि आरसीबी को सब अंडरस्टिमेट कर रहे हैं, पर मुझे लगता है आरसीबी टॉप 4 में जाएगी। कम ऑन आरसीबी भाई, इस बार उवेश भाई को भी गलतफहमी हो रखी है भाई। इस अब देखिए धीमे धीमे ना सबकी गलतफहमियां दूर हो रही हैं। क्यों शिवम भाई, मैं गलत बोल रहा हूं? शिवम भाई कह रहे हैं, शिवम भाई एक मिनट, शिवम भाई से मेरी पर्सनल एक बार बात कर लेने दीजिए। शिवम भाई देखिए, मैं और आप लगातार सबसे कह रहे थे भाई, आप यही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आरसीबी को, यही आप ये सब अभी सपोर्ट करते नजर आएंगे, ये सब देखेंगे वो नजारा जब आरसीबी प्लेऑफ्स में पहुंचेंगे। फाइनल उठाएगी यार, फाइनल उठाएगी, कब जीतेगी साला सपना दे। मुझे तो अभी भी 70-80% गूगल में दिखा रहा। देखिए एक्वा वेदर एक साइट होती है, उस पे काफी हद तक क्लियर रहता है, तो आप वहां पर देखिए। और इसके अलावा बाकी जगहों पर भी जो 70-80% दिखा रहे थे थोड़ा कम हुए हैं भाई। वो आपको ना क्लाउड कवरिंग दिखा रहा होगा 70-80%, जो मैंने अभी इंस्टेंट 70-80%, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट वो क्लाउड कवरिंग लिखा हुआ है। इसके अलावा सीएम कह रहे हैं, सीएम भाई 18 तारीख को मेरे को 1-1 मिनट रेन की अपडेट चाहिए स्पोर्ट्स नाउ से, और सीएम भाई से, सीएम भाई आप अपना नंबर दो, 1-1 मिनट की चाहिए, 1 घंटे वाली नहीं चाहिए। आप उनको 4:01 पे क्या रहेगा, 4:02 पे क्या रहेगा, उनको जल्दी से बताइए भाई। देखो 1-1 मिनट की अपडेट आपको देंगे, आप कहीं पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, आप रेगुलर अपडेट देंगे, आप हर एक चीज की अपडेट देंगे। स्पोर्ट्स नाउ को आप फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर भी, वहां पर भी आपको एक एक चीज की अपडेट। ओमकार पाटिल करें, लव यू ऑल टीम, धन्यवाद भाई, और प्लीज आप लोग लाइक जरूर करें और ऐसे ही सपोर्ट करें। आप फनी क्लिप करें कि वेदर अपडेट दो यार, वो WPL की बातें बात करो, एक बार फिर से बताइए इनको वेदर अपडेट। आपको बता रहे हैं कि शनिवार यानी कि 18 तारीख को शाम से लेकर रात तक का मौसम क्या रहने वाला है। सुबह से बता देता हूँ पूरा मामला खत्म। सुबह बिल्कुल बारिश के चांसेस नहीं है हाँ। सुबह के समय पर ठीक है, आफ्टरनून में अगर हम देखें, आफ्टरनून का भी एक बार मैं खोल लेता हूँ, आफ्टरनून में क्लाउड कवर 100% है, लेकिन बारिश के चांसेस 78% है यहाँ पर ठीक है, और ह्यूमिडिटी 71% है, तो आप समझ सकते हैं कि ह्यूमिडिटी होती है तो बारिश होने की चांसेस जो हैं वो कितने रहते हैं। इसके अलावा जो इवनिंग वाला है, अब इवनिंग पे आ जाते हैं, एक बार इवनिंग मुझे आप अपडेट कर लेने दीजिए, यहाँ पर इवनिंग पे आ गए, मतलब शाम वाले समय पे 3.5 घंटे बारिश का अनुमान है, और जो रेन है वो 0.2 इंचेस हो सकती है, मतलब बूंदाबांदी हो जाएगी। देखिए बारिश एक तरीके से अभी यार समय बदलेगा, एक समय 70-80% थे, अभी कम हुई, अभी दिन है उसमें, बाकी आज दिन कम। और ये देखिए पॉवर्टी ऑफ प्रेसिपिटेशन, अच्छा कल नहीं परसों ही मैच है हाँ, 47 यानी कि 70% था, अब आप देख लीजिए 47 भाई, तो ये एक अच्छी खबर है। और ये मैं इवनिंग का बता रहा हूँ, देखिए आपके सामने आप देख लीजिए इवनिंग का है ये। सागर भाई कह रहे हैं पहले आरसीबी तो आ जाए प्लेऑफ में, हाँ बिल्कुल भाई, वो तो है ही, उसके लिए तो चांस बता रहे हैं ना, वेदर कैसे बारिश भाई। देखो अगर मैच नहीं होता है हाँ। तो आप समझ लीजिए आरसीबी, मतलब ये इनका मानना है कि अगर मैच नहीं होता तभी है चांस की आरसीबी ना पहुंच पाए हाँ। अगर मैच हुआ हाँ। तो आरसीबी पहुंच रही है ये बहुत बड़ा ऐलान है। वीरेंद्र भाई आप तैयार हो जाइए, वीरेंद्र भाई कह रहे शुभेंदु भाई आरसीबी फैंस को खुश होने दो यार। बिल्कुल भाई, हम अभी पहले के हार बोलते थे, केकेआर टॉप पर है भाई, देखो वीरेंद्र भाई के जिसके सामने हार लगा देते हैं हाँ, वो जीतना शुरू कर देते हैं। इन्होंने के हार बोला था
और इन्होंने बस हार हार नहीं बोला था, नहीं तो ये जीत गए होते, नहीं तो ये जीत गए। अभी इनकी लगातार हार हार हो रही है, देखो